Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 7 coordinate geometry. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. Minus 3, 5, 3, 1, 0, 3, minus 1, minus 4. 4 points given hai aur hame batana hai ki ye kis type ka quadrilateral form karenge. Quadrilateral form karne ke liye hum sabse pehle kya karenge? Inki naming kar dete hain. Isko le lete hain A, isko le lete hain B, इसको C और इसको D. अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी चारों साइड निकालेंगे, डायगनल्स निकालेंगे, मतलब सबकी साइड्स की और डायगनल्स की लेंथ निकालेंगे, ठीक है. और उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट. ये पूरा होल अंडर रूट आ जाता है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी. So AB is equal to under root of 3 minus minus 3 whole square plus 1 minus 5 whole square. So it is 3 plus 3, 6, 6 ka square plus minus 4 ka square. Aur ye ho gaya hamara 36 plus 16 under root, or this is root 52. Ye aa gayi hamari AB. अब हम निकालेंगे बी सी. सो बी सी के लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट लेंगे. सो ये हो गया 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर. सो ये आ गया माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. तो 9 प्लस 4 दैट इज रूट 13. ये आ गई हमारी बी सी की वैल्यू, ठीक है. अब हम निकालेंगे सी डी. देन सी डी के लिए माइनस वन माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस थ्री होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस वन होल स्क्वायर प्लस माइनस सेवन होल स्क्वायर. ये आ गया वन प्लस 49 का स्क्वायर रूट. सो इट इज रूट 50. ये आ गई सी डी की वैल्यू, ठीक है. अब निकालेंगे हम ए डी. देन ए डी के लिए माइनस वन माइनस माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस फाइव होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये हो गया माइनस वन और प्लस थ्री मतलब टू टू का स्क्वायर प्लस माइनस नाइन का होल स्क्वायर. तो ये आ गया फोर प्लस 81. सो ए डी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया रूट 85, ठीक है. अब आप देखेंगे कि एक साइड ये आ गई ए बी, बी सी आ गई रूट 13, सी डी आ गई रूट 50 और ए डी आ गई रूट 85. मतलब चारों साइड्स हमारी अलग अलग आई हैं, तो हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, कि कोई रिलेशन नहीं निकल रहा हमारी साइड्स के बीच में. तो हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर पा रहे कि ए बी सी डी कैसा क्वाड्रिलेटरल है. तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि वी कैन नॉट डिफाइन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. हम वी कैन नॉट गिव दन एनी नेम टू क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. क्लियर? होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.